Talking about Rais, the character, what's the one quality that you share with him? And do you bring some of your own personal quirks to a character, or do some of their characteristics seep into your personality by the time you're done with the film? सब एक्टर्स यार वही करते हैं जो अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं. अगर मेरा कोई एक्सपीरियंस रहा है कहीं ना कहीं पर हमारे अंदर रहता है वो नेचुरली भी रहता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है और कोशिश ये करते हैं उन्हीं एक्सपीरियंसेस को याद करके. तो हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस जब मुझे रोना आया था और नवाज़ भाई का अलग हो, लेकिन एक्सपीरियंस रोने का ज़रूर है हमारी ज़िंदगी में कहीं पर. सो वी कॉल अपॉन दैट, या उसके बारे में सोचते हैं या कुछ देखा है कुछ पढ़ा है. सो ऑफकोर्स जो भी कैरेक्टर कोई भी एक्टर प्ले करेगा उसकी ज़िंदगी से ज़रूर कहीं ना कहीं जुड़ा होगा. हैविंग सेड दैट, मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ और प्लीज़ ये लिख दीजिएगा और टीवी पे भी दिखा दीजिएगा कि मैं रईस जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, वरना मैं अभी जेल में होता. तो मैंने ऐसी कोई ज़िंदगी में हरकत नहीं की है. मैं टी टोटल हूँ, मैंने कभी भी इल्लीगल पदार्थ इस्तेमाल भी नहीं किए हैं और मेरा कुछ लेना देना नहीं है उसकी उसके जैसा उसका रोज़गार है. और एज फार एज एक्सपीरियंस इज कंसर्न, द लास्ट 15-20 मिनट्स मुझे एक्चुअली नवाज़ भाई ने उस दिन बोला तो मैं बिलीव करने लगा. मुझे लगा कि मैंने काफ़ी जेन्युइन अपनी लाइफ से कुछ किया है उसके अंदर इन टर्म्स ऑफ इमोशन, नॉट कैरेक्टराइजेशन लाइक दैट. फिर नवाज़ भाई ने परसों तरसों शूटिंग करते हुए बोला, यार उस दिन शाहरुख भाई आप काफ़ी जोन में थे. तो मुझे ऐसा फीलिंग है जो आखिरी 15-20 मिनट है कई फिल्म के उसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो ऑफकोर्स सीन की तरह नहीं होंगे लेकिन कुछ मिलता जुलता उसमें ज़रूर है.